आपने देखा होगा, अगर आपने किसी बैंक और एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और बाय चांस आप भुगतान करने में थोड़ी सी देरी कर दें, आपकी एक दो ईएमआई डिफॉल्ट हो जाए, उसके बाद में रिकवरी एजेंट आपको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, आपको डराना शुरू कर देते हैं, आपको धमकाना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे एक रिकॉर्डिंग सेंड की जिसमें कि दिखाया कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार से रिकवरी एजेंट की नाक में दम किया और रिकवरी एजेंट ग्राहक के पैर पकड़ने के लिए तैयार हो गया। आइए पहले हम वो रिकॉर्डिंग मिलकर के सुनते हैं। हेलो, ध्यान से सुनना है दोस्तों। हां जी सर, मुजम्मिल खान बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? सर मैं फ्लाइट से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए मैडम। सर आपकी फ्लाइट कार्ड की पेमेंट पेंडिंग चल रही है? हाँ वो तो चल रही है, पता है मैडम, मुझे पता है। सर कब तक पे करेंगे सर, बताइए तो। इसको सन 2025 में पे करेंगे मैडम। 2025 में? कोई बात नहीं, 2030 में कर देंगे, पर जल्दी हो जाएगी। सर और भी जल्दी बता रहे आपको। खान साहब नमस्कार। हाँ जी दूसरे बंदे को दे दिया फोन, ठीक है ना, सुनते हैं। किस नंबर से? बेटा पहले भी कॉल मिला है क्या तूने इनको? दो मिनट खान साहब, वो कह रही मैं मिला रही थी पर आप सीट पे नीचे, तो मैंने काट दिया था। वो कह रही नहीं सीट पे था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बात हुई है मैडम से भी। अरे तेरी बात हुई है क्या बेटा उनसे? वो कह रहे बात हुई है। खान साहब एक बार मिलना चाह रहा था आपसे, जब मर्जी मिल रहा है कर रहे हैं ना आप? हाँ जी वही है सर, 25 साल से वही रह रहे हैं। मंथली शायद आपकी बात हुई थी, कोई मिस्टर पंकज है उनसे शायद आपकी बात चल रही थी, कुछ 5,000 देने की बात हुई थी। 5,000 सर, छोटे भाई की तरह जानना चाह रहा हूँ क्या परेशानी आ रही है जो पेमेंट रोकी हुई है सर? क्या परेशानी? कुछ भी नहीं है सर, इंटेंशन इशू है। देखा आगे सुनो। खान साहब इतना बढ़िया ट्रैक रहा है, ऐसे शब्द ना, मुझे लग रहा है कि आप दिल से बोल रहे हो, अपनी आत्मा से बोल रहे हो, या आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। साहब ये समझ आइए, इंटेंशन इशू होता तो सर ये कुछ भी ना किया होता है अकाउंट में, तो भैया चुपा मारा होता। आप समझाए बंदा, जब से नहीं समझ पाया। साहब वही कह रहा हूँ मैं कह तो रहा हूँ, खर्चा भी है चुकाया भी, खर्चा भी है चुकाया भी है सर, इंटेंशन इशू नहीं हो सकता आपके अकाउंट में सर। चलो आप कुछ समझते हैं, कोई गलती हुई है तो सर बताओ, छोटा भाई आके मिल लेता है, कोई बात नहीं सर, कल का प्लान करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी किस्सा जानना चाह रहा था खान साहब की, क्यों गुस्सा है? गुस्सा नहीं है सर, मैंने आपसे क्या बोला था, गुस्सा नहीं हूँ, मेरा इंटेंशन इशू है। अभी मेरे जेब में कम से कम 2,00,000 रुपए पड़े हैं, बट मेरा इंटेंशन इशू है सर। खान साहब फिर आगे कदम करो ना, रिवर्सल बहुत बढ़िया करा दूंगा। नहीं सर आप अल्लाह को मानिए, मैं ईश्वर को मानूं, दोनों एक चीज है, पावर एक ही है। दिल से कह रहा हूँ इतना बढ़िया रिवर्सल दे दूंगा, जो आज तक चार्जेस लगे हैं जब से आपका पैसा रुका है सारा वॉश आउट कर। नहीं दे पाओगे, राइट ऑफ हो गया ये अभी? हाँ जी राइट ऑफ हो गया केस अभी, ये नहीं सर, राइट ऑफ में लगा के भी कुछ नहीं निकलेगा सर। अच्छा सेटल कराएंगे, जो सेटल आपको ये प्राइस है सर, कोई बैंक नहीं है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, भाइयों वाली बात है। पैसा ना देना, देखो देना ना देना आपकी बोल है खान साहब, आपके देने से भी तनख्वाह नहीं रुकेगी छोटे भाई की, और आपके ना देने से भी नहीं रुकेगी। सही बात है, गलत तो नहीं कह रहा सर, मेरी नौकरी है, मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ, मेरी ये मतलब वर्किंग है, ये करनी पड़ेगी सर। एक्चुअली क्या है, इस हिसाब से आप ये कॉल कर रहे हो ना, आपसे 4 महीने 5 महीने पहले आपके अगर जितने भी जो भी एजेंसी को मेरा केस गया था, अगर वो भी इस तरीके से बात कर लेते ना, तो मैं कैसे भी करके कुछ ना कुछ करके आज तो सेटलमेंट करा भी देता और खत्म भी कर देता। बट मेरा साथ अभी से इंटेंशन हो गया है कि पैसा देना ही नहीं है, 2025 क्या फीस भी हो जाएगी तब भी ले देना। तो आपसे कहने का मतलब आप माइंड मत करिएगा, किसी ने आपसे बदतमीजी की और आपको दोस्तों का गुस्सा भी है बस। हाँ वो सब जानता है ये बंदा, फिर भी गहरा देख लो, अभी बताऊंगा आगे। अभी मेरे सर क्या है, 27 एज पाऊंगा 3 पर, तो
ये आपके फादर साहब के नाम पे अकाउंट है, आदि के नाम पे? नहीं, मेरे नाम पे है, मुजम्मिल खान मेरा नाम है। अच्छा, आदि के नाम पे। तो भाई आप तो मेरे से बहुत छोटे हैं, मेरी उम्र 40 साल है छोटे भाई। हाँ भाई, कह रहा हूँ मैं, मेरा जो आज तक ग्रेजुएशन, मेरे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मिलूंगा। मेरी बात सुनिए, मेरा जिस हिसाब से कार्ड का और जो भी सिविल का जो मेरी वो थी ना, जो क्वालिटी थी, मेरे को 11 कार्ड चलाता था मैं एक टाइम में। और मेरे को इंटेंशन मेरा अगर कोई ऐसा फ्रॉड करने का होता ना, तब तो मैं 11 कार्ड में से 5 कार्ड बंद करा के ये सब कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे करना होता ना, सर मैं 11 कार्ड में 11 है ना, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कॉल पे बात नहीं होगी, आप कल आ जाओ, बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, सुना आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को, मैंने बहुत ध्यान से सुना है, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। देखिए, जब आप किसी बैंक एनबीएफसी का लोन नहीं चुका पाते हो, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो केस है वो मल्टीपल ऐसी एजेंसीज के पास में दे दिया जाता है जो कि पूरे तरीके से लोन रिकवरी का काम करते हैं। अब उसमें दो टाइप की रिकवरी एजेंसीज होती हैं, कुछ ऐसी रिकवरी एजेंसीज होती हैं जो कि पूरे तरीके से काफी मिनिमम अमाउंट पर लोन की रिकवरी करती हैं, और कुछ ऐसी एजेंसी होती हैं जो काफी ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट लेती हैं बैंक से, राइट। देखिए, बैंक और एनबीएफसी कभी खुद के तो रिकवरी एजेंट नहीं रखते ना, ना ही कोई भी किसी खुद से वो रिकवरी कराते, क्योंकि ये जानते हैं ये काम बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी वाला है और इनको गुंडे पीछे लगाने होते हैं। गुंडे क्यों पीछे लगाने होते हैं? क्योंकि इनको पता है कि आसानी से पैसा रिकवर नहीं होगा, ये पूरे तरीके से इनकी इंटेंशन गलत है, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्यार से बात करोगे तब भी पैसा रिकवर हो जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति को पूरे तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया, उसे बहुत ज्यादा परेशान किया, लगातार उसकी इज्जत पर प्रहार किया। अब वो व्यक्ति इनसे इतना परेशान आ गया है, वो इतना इनको पूरे तरीके से फेस कर चुका है कि उसकी सहनशीलता पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब उसको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, चाहे ये व्यक्ति केस को लीगल में लेकर के चले जाए, चाहे ये व्यक्ति केस को कहीं भी लेकर के चले जाए, लेकिन उसे अपना मान सम्मान प्यारा है, उसे अपनी इज्जत प्यारी है। भाई, उसने लोन लिया था, कोई चोरी नहीं की थी, कोई गुनाह नहीं किया था, उसने क्रेडिट कार्ड का यूज किया, अब कुछ समस्या ऐसी बन गई, वो पैसा नहीं दे पाया, और जब पैसा नहीं दे पाया तो भाई ये गलत है ना करना, कानूनी तरीके से लड़ो भाई, क्यों नहीं लड़ते। तो आप यही समझिए, अगर आप भी किसी बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट से प्रताड़ित हैं, आप उससे डरते हैं, उससे घबराते हैं, उससे आप डरना घबराना छोड़िए और एक भी रुपया उसको पेमेंट मत कीजिए। उसको अगर आप पेमेंट करते हैं तो कानूनी तरीके से ही पेमेंट करो कि चल मैं कोर्ट में चलने को तैयार हूं। ये 100% कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इनकी औकात नहीं है। मैं बहुत सी वीडियो में पहले ही आपको समझा चुका हूं, इनको पूरे तरीके से काम करना है, इनको कहां कोर्ट वगैरह के लफड़े में पड़ना है। तो आप इस सब को सुनकर के क्या कहते हैं और क्या समझते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी इसी प्रकार से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, आपको भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो आप भी हमें अपना केस भेज सकते हैं, हमसे भी अपनी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी पेड सर्विस का यूज करना होगा, उसमें हम आपको 100% बेटर से बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इस पेड सर्विस को लेने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इश्यू है विद एविडेंस हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर देना है। हमारी ईमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो ईमेल करने में असमर्थ हैं, वो पूरी तरीके से हमारे व्हाट्सएप नंबर का यूज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी सारी डिटेल सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, और आपको 24 to 72 hours के अंदर एक अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और टेलीफोनिकली हम उसी डेट एंड टाइम पर आपको हेल्प आउट कर देंगे और 100% आपको हेल्प मिलेगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और आपको काफी मिनिमम चार्ज हमें पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको 1,000, 500 बहुत मिनिमम चार्ज पे करना पड़ेगा, वो भी इसीलिए रखा हुआ है जिससे कि पूरे तरीके से टीम को मैनेज कर लिया जाए और प्रॉपर तरीके से लोगों तक 100% बेटर से बेटर हेल्प पहुंचा दी जाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और बाकी हमें आप हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा, एक्स पर और इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इन दोनों ही चीजों पर हम एक्टिव रहते हैं। थैंक यू।